फिर एक दफ़ा और हम सेकंड वाइफ पे आ गए, क्योंकि इसका खाना अच्छा है, वो घर के करीब भी है, तो इस वजह से अशार कहते हैं। और सबसे पहले शेर शहजादी के लिए, क्या नाम है शहजादी का? नाबिया। नाबिया के लिए कहते हैं कि गालों से इनके लाली नहीं जाती, कह दो माशाल्लाह। माशाल्लाह। गालों से इनके लाली नहीं जाती, यादों से कोई रात खाली नहीं जाती, अनाबिया को कैसे मना कर दे किसी चीज़ का, इनकी तो कोई बात घर में टाली नहीं। अनाबिया चैन आपसे है, करार आपसे है, जिंदगी की बहार आपसे है, यूँ तो है दुनिया में लाखों हंसी, क्या बताएं, हम सब कहते हैं हमें सबसे ज़्यादा प्यार आपसे है। थैंक यू। मुंतहा के लिए शेर है कि बेटियों को आंसू मिल जाएं तो मुस्कुराती हैं, ये मुंतहा बड़ी मासूम बड़ी जज्बाती है। गुल मुंतहा के लिए, और मुंतहा गुल के लिए शेर, मुंतहा गुल आपकी दीद के मारो को आपकी दीद हो जाए, महफिल में सबों की पुरमीद हो जाए, फलक के चांद के क्या है दिखे ना दिखे, आप सामने आए तो सबकी ईद हो जाए। शहजादे के लिए आपका नाम यासिर। यासिर साहब के लिए मुंतहा, आंखों से ही काम हुआ है काजल। माई यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक हैं। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। अगर मेमुना खान ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यार दिखाइए, दुआ में याद कीजिए। और अब इंशाल्लाह एक नया ब्लॉग लेके आपके साथ आए। कल हम लोग बहरिया टाउन गए थे, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने, और बारिश भी बहुत अच्छी हो रही थी बहरिया में, तो बहुत इंजॉय किया। काफ़ी लेट आए थे, डिनर पर चले गए थे फिर वहीं से, तो काफ़ी लेट हो गए थे, लेकिन फिर भी मैंने कहा चले ब्लॉग डालना है, तो ब्लॉग डाला था मैंने कल का। उमर आप बहरिया गए थे, आपको मज़ा आया? जी। कितना मज़ा आया? इतना सारा मज़ा आया। सलाद आपको कितना मज़ा आया? बहुत सारा। इतना सारा मज़ा आया, बच्चों ने बहुत इंजॉय किया था कल बहरिया में। अनाबी आपको कितना मज़ा आया? बहुत मज़ा आया। बहुत मज़ा आया। हाँ, सलाम करो सबसे। अनाबी सलाद सलाम करो सबसे, ऐसे प्यार करो सबको। अनाबी आप भी करो। मामा हम छुट्टियों से पहले वंडरलैंड चलेंगे और सी व्यू। अच्छा अभी दो जगह इनको जाना दे गया है कि अभी वंडरलैंड भी जाना है या सी व्यू भी जाना है। चलें देखते हैं, अगर टाइम हुआ तो ज़रूर लेके जाऊंगी आपको। और उसके बाद आपको भी बहुत सारी पढ़ाई करनी है, ठीक है? अभी चलें सी व्यू। हाँ। अभी देखते हैं। भाभी तैयार हो रही हैं, चलें देखते हैं ना, चलते हैं। बच्चों को, बच्चे थकते नहीं हैं, हम लोग इतना थक गए, बच्चे थकते नहीं हैं, बच्चों को तो बस ये होता है यहाँ चले वहाँ चले। रात में मुझे इतना पैरों में दर्द था, क्योंकि अगर हम इतना चले हमें कम से कम 2 से 2.5 घंटे तो चले ही चले हैं ना, बहुत चले हैं हम लोग, है ना। इतना चलेंगे पहाड़ियों पर चढ़ गए थे, पहाड़ियों पर भी चढ़े थे ना, उतरना चढ़ना हमारे लिए इतना मुश्किल हो रहा था, लेकिन है ना मज़ा बहुत आया। रात में फिर हमारे जो पाँव दुखे, पैरों में दर्द हुआ, उसमें भी बहुत मज़ा, बहुत पैरों में दर्द हो गया था हमारे सबके। और बच्चे लेकिन माशाल्लाह आराम से सो गए थे थक के, और अब बच्चे तो आज सुबह इतने माशाल्लाह फ्रेश हो चुके हैं, चले सी व्यू चलते। मैंने नहीं कहा था आपके छुट्टियों के थोड़े से दिन रह गए तो कहीं ना कहीं चलेंगे। अनाबी गला सही करो बेटा, तो अब देखे हो सकता है लेके जाऊँ, लेकिन आज तो नहीं, आज तो बहुत अब कल वाली थकन नहीं उतरी है अभी ना, तो नहीं करो बेटा। ये दोनों छोटे एक साथ खेलते ना, नहीं करो बेटा, बुरी बात होती। देखो इसके सारे तीत चिड़िया ले रही है। उमर अपने तीत कहाँ गए सारे के सारे? सारे तीत उमर के कहाँ गए? उमर के तीत कहाँ गए? चिड़िया ले रही। ऐसे नहीं बोलते, दूर होके बात करते हैं। तो चले अभी देखते हैं बच्चों की, आज मुझे यूनिफॉर्म के लिए निकलना है घर से। साहब ने कहा था मेरे साथ चलेगा, लेकिन देखती हूँ साहब लेट होते हैं या उनका वेट करती हूँ, क्योंकि जब उन्होंने कहा है कि मैं साथ चलूँगा, साहब ने कहा है तो उनके साथ ही चलेंगे, उनका वेट करना चाहिए। हमने बच्चों को आज स्पोर्ट यूनिफॉर्म भी दिलाना है, बच्चों को शूज़ भी दिलाने हैं, स्पोर्ट शूज़ भी दिलाने हैं, क्योंकि उसके बाद अभी मुहर्रम शुरू हो जाएगा, टाइम नहीं मिलेगा।
मेरा ये था कि मुहर्रम के बाद तैयारी करेंगे बच्चों के स्कूल की, लेकिन साहब कह रहे नहीं अभी कर लेते हैं क्योंकि बच्चों का साइज़ वगैरह देंगे तो यूनिफॉर्म रेडी होगा, तो आज ये करेंगे। बच्चों का हमें बुक बाइंडिंग करवानी है, बुक्स ले तो ली हैं लेकिन आज देखें वो काम भी आज दे के आऊँगी, कल या परसों तक मिल जाएगा यूनिफॉर्म भी, फिर मुझे सैटरडे संडे तक मिल जाएगा। तो आज बच्चों के स्कूल के काम करते हैं सारे, क्योंकि मंडे को तो आई थिंक मैं हर से 31 तारीख की है और ट्यूसडे से बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे, फिर तो बच्चों को स्कूल भेजना है। बहुत छुट्टियां कर ली, बहुत इंजॉय कर लिया बच्चों ने भी ना, तो चले साथ रहिए फिर मिलते हैं आपसे हम। तो ये मैं शरबत बना रही हूँ मुहर्रम का, आज 7 मुहर्रम है तो आज बच्चों को बाहर शरबत पिलाएँगे, और 7 मुहर्रम का आप लोगों को सबको ही पता है तो बच्चे कहेंगे वहाँ शरबत बनाए, मैंने कहा चले शरबत बना लिया है अब असल का टाइम हो रहा है, चले मैंने कहा शरबत बना के ऐसे ही एक और भगोना बनाते हैं और फिर 2 भगोने बाहर शरबत का बच्चों को पिलाते हैं, पिलाएँ वहाँ चले पिलाने के लिए। ये था आज का मेरा ब्लॉग, अगर मेरा खान ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारी दुआ में याद कीजिए। इंशाल्लाह नए ब्लॉग के साथ आपसे मिलेंगे, लेकिन पीछे शीशे में भी मैं आ रही हूँ। तो बस आज का ब्लॉग यही था, बेरिया टॉम बहुत अच्छा था और फिर हम लोग खाने पे चले गए थे, मैंने आज सारी रूटीन आप लोगों से शेयर करी और इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग के साथ आएंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ। शब्बा खैर, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट आप सबको। चलो गुड नाइट कहो, गुड नाइट, गुड नाइट।